शहर में पालतू जानवरों और आवारा जानवरों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पशु प्रेमी चिंतित है कि प्राणियों की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। मुंबई में ऐसी सुविधाएं बहुत कम है और बहुत अधिक शुल्क लिया जाता है। भारत का पहला मोबाइल पालतू अंतिम संस्कार चैनल वार्ड नंबर 1 के पूर्व शिवसेना पार्षद तेजस्वी अभिषेक गोसारकर की अवधारणा से लागू होने जा रहा है। आईसी कॉलोनी बोरीवली पश्चिम में भारत के पहले मोबाइल पालतू शव दाह चैनल का उद्घाटन आईसी कॉलोनी पेट पार्क YMCA ग्राउंड बोरीवली पश्चिम के पास सेंट लुई चर्च के फादर रोनाल्ड फर्नांडिस ने किया। यह चैनल पूर्णतः पर्यावरण पूरक है तथा विद्युत अधिकार में मृत पशुओं का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस वजह से दहिसर बोरीवली के जानवरों का अंतिम संस्कार इसी स्थान पर किया जाएगा। मुंबई बैंक के निदेशक पूर्व नगर सेवक अभिषेक गोसालकर ने बताया कि गैर सरकारी संगठन हैप्पी बर्ड्स फाउंडेशन ने इस वैन का निर्माण किया, साथ ही इस स्थान पर निशुल्क दाह संस्कार भी किया जाएगा। अगर देखें तो मुंबई में हर जाति धर्म के लोग यहां पर रहते हैं और साथों साथ अगर आपने देखे तो बहुत सारे बड़े पैमाने में पेट लवर आज मुंबई में आपको दिखाई पड़ेंगे। अगर मेरे आईसी कॉलोनी और बोरीवली एरिया की बात करें तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारा जो पेट पार्क है यहाँ पे 800 से ज़्यादा पेट यहाँ पे ओनर्स लेके आते हैं और स्ट्रे डॉग की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। और मुझे हर रोज़ फ़ोन आते हैं कि कोई ना कोई पेट का निधन हो गया है। मेरे ख्याल से जैसे इंसान को एक अंतिम संस्कार का जो वक्त रहता है तभी एक आदरयुक्त अंतिम संस्कार मिलता है, उसी तरह पेट को भी आदरयुक्त अंतिम संस्कार मिले ऐसी हमारी एक भावना थी। यहाँ पे अगर दहिसर बोरीवली या ये सबब में कहाँ भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है और एक प्राइवेट क्रिमेटेरियम है जो परेल में है और मेरे ख्याल से वहाँ भी ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं और इस तरह की हम लोग ने हैप्पी बर्ड फाउंडेशन के माध्यम से इस तरह का एक यूनिक कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए। ये मुंबई में नहीं तो भारत में ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है और ये एक वैन नहीं, ऐसे हम लोग दहिसर से लेके चर्चगेट तक हम लोग फैसिलिटी देना चाहते हैं और ये नवी मुंबई हो, ठाणा हो, ये पूरी एरिया में हम लोग इस तरह का क्रीमेशन का मोबाइल वैन क्रीमेशन का हम लोग वहाँ पे फैसिलिटी देना चाहते हैं। आप अगर ये क्रीमेशन देखें तो यहाँ पे जो फर्नेस लगा हुआ है वो इलेक्ट्रिक फर्नेस है और इलेक्ट्रिसिटी पे वहाँ पे चलने वाला है और ये पोल्यूशन फ्री यहाँ पे एनवायरनमेंट का पूरा हम लोग ने ख्याल रखा हुआ है और यहाँ पे अगर देखें तो एनवायरनमेंट के लिए पोल्यूशन फ्री हम लोग ने ये फर्नेस वहाँ पे लगाया है। और जो स्ट्रे डॉग है, ऐसे कोई फ़ोन आते हैं या स्ट्रे डॉग का कोई निधन होता है तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे उनका क्रीमेशन करने वाले हैं, आदरयुक्त उनको सम्मान देने वाले हैं। और जो पेट ओनर है अगर उनके पास अगर इस तरह का कुछ क्रीमेशन डॉग्स का या पेट्स का होता है तो उनके पास हम लोग नॉमिनल चार्जेस लेने वाले हैं क्योंकि इसमें डीजल लगने वाला है। यहाँ पे हमारे ड्राइवर भी रहने वाले हैं, अंदर हम लोग ने साफ़ सफाई की भी व्यवस्था वहाँ पे की हुई है, जो फर्नेस साफ करने के लिए भी वो हमारा एक बंदा वहाँ पे रहने वाला है। तो इस तरह ये वैन के पीछे हमारा खर्चा भी वहाँ पे लगा हुआ है तो मेरे ख्याल से एक अलग तरह का यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आज भारत में पहली बार इस तरह का कॉन्सेप्ट आया हुआ है और लोगों ने भी उसको अच्छी तरह से सपोर्ट किया है, सराहा है, लोग भी आगे आके मदद करने के लिए तैयार हो रहे। मेरे ख्याल से ये एक जानवरों के प्रति एक आपुल की है, ये भावना है जो हम जो प्राणी जो मुंह से नहीं बोल सकते, उनकी जो दुख दर्द है वो कह नहीं सकते, लेकिन हम इंसान हैं, इंसान हम जानते हैं कि किसका दर्द हो सकता है, किसको क्या हो सकता है और उसका ख्याल रखने का काम आज तक शिवसेना के माध्यम से हम करते आ रहे हैं और आज ये यूनिक कॉन्सेप्ट लेके हम लोगों के सामने आए। सर, इसका स्टेशन कहाँ कहाँ होगा, वर्किंग और कितना होगा? देखो, ये जो पेट क्रिमेटेरियम वैन है ये हमारा पेट पार्क का जो गार्डन बनाया हुआ है, ये गार्डन के बाहर एक स्टेशन पॉइंट होगा और एक कांदरपाड़ा में हमारा हिंदू स्मशान भूमि है उसके बाहर इसका एक स्टेशन पॉइंट हम लोग फिलहाल रख रहे हैं। जो जो सोसाइटी या जो जो लोगों ने क्रीमेशन के लिए हम अगर बुलाते हैं, अगर आजू बाजू के लोगों का कोई ऑब्जेक्शन होता नहीं है तो हम वहाँ भी क्रीमेशन करने के लिए तैयार हो। सर, ये खाली डॉग के लिए कि और भी पशु पक्षी के लिए? देखो, ये घर में पालने वाले हर एक पशु पक्षी के लिए
इस तरह का व्यवस्था इसमें हुए। स्ट्रे डॉग जो रास्ते पे भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, डॉग ऐसे ही फेंके जाते हैं, कैट्स है, इनके लिए भी हम लोग यहाँ पे ये क्रीमिएशन का व्यवस्था किया जाता है। बट और वहाँ पे कैसे कि उसका टाइमिंग है 8 से लेके 3 बजे तक का टाइम है। उसके बाद में जब भी कभी भी डॉग मरता है, चाहे समझो कि शाम की तरह हो गया, रात को हो गया, या एक्सीडेंट हो गया कहीं पे ये हो गया, तो उसके लिए कोई दखलबाजी कोई करता नहीं है। कोई गार्डन में फेंक देता है, कोई नाले नली में फेंक देता है, तो उसमें दुर्गंधी हो के फिर अपना समाज को गंदे से तरीके से बदबू आना, फिर वो ये फैलना, गंदगी फैलना, ये सब सारा चीज़ होता है। तो वही सब कॉन्सेप्ट मैंने ध्यान रख के हुए एक मैंने क्रीमेशन की एक वैन तैयार की है, जो अभिषेक सर के और तेजस्विनी मैम की तरफ से हमको पूरी तरह से सपोर्ट है, हैप्पी बर्थ फाउंडेशन को, और उन्होंने हमको काफ़ी सपोर्ट किया है। ये प्रकल्प 4 महीने से हम लोग का चल रहा ही था कंटिन्यू, कैसे करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, बट आज वो पैगाने पे आ गया और हमने वो उपक्रम कर दिया।